दोस्तों, आपने कभी चीज़ पनीर घोटाला ट्राई किया है? ये सूरत की काफ़ी फेमस डिश है। तो वही चीज़ आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी रोटी के साथ। तो आज का मेरा वीडियो एंड तक जरूर से देखें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेतल स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल किचन में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2 मीडियम साइज प्याज, 7 लहसुन की कलियां, 3 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा लेकर प्याज की पेस्ट बनाएंगे। बाद में 4 टमाटर लेकर टमाटर की भी पेस्ट अलग से बनाएंगे। पेस्ट बनाने के बाद एक नॉनस्टिक पैन में 3 बड़े चम्मच ऑयल गरम करेंगे। ऑयल जैसे ही गरम हो जाए, इसमें 1 चम्मच जीरा डालकर उसे पकने देंगे। जब जीरा फूटने लगे, बाद में 1 बड़ी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चौथाई चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर मसाले को सौटे करेंगे। मसाले सौटे करने के बाद इसमें हमने जो प्याज की पेस्ट बनाई थी वो डालकर इसे अच्छे से 2 मिनट मिलाएंगे। बाद में 1 कैप्सिकम बारीक कटा हुआ डालेंगे। प्याज और कैप्सिकम को 2 से 3 मिनट पकाने के बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालेंगे और दबकर टमाटर को तेल छोड़े तब तक पकाएंगे। थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाकर टमाटर को अच्छे से मिलाएंगे। बाद में इसमें 1 बड़ी चम्मच कसूरी मेथी और 1/4 कप क्रीम डालकर इसे मिक्स करेंगे। दोस्तों, आप क्रीम की जगह घर पे रहे दूध से निकली मलाई का भी यूज़ कर सकते हो। अब हम क्रीम को टमाटर के साथ 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर अच्छे से पकाएंगे। इसके बाद हम ग्रेवी में 300 ग्राम ग्रेट किया हुआ पनीर और ग्रेट किया हुआ चीज़ डालेंगे। यहाँ मैंने 3 चीज़ के क्यूब्स लिए हैं। आप चाहो तो चीज़ के क्यूब्स कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब ग्रेवी में 1 कप गरम किया हुआ पानी डालकर ग्रेवी को अच्छे से मिलाएंगे। बाद में 2 चम्मच बटर डालेंगे और 5 मिनट पका लेंगे। जब तक ये पक रहा है तब तक हम तंदूरी रोटी का डो बना लेंगे। इसके लिए 2 कप गेहूं का आटा लेकर उसमें 2 चम्मच ऑयल और नमक डालेंगे। बाद में 1/2 कप दही डालकर मिक्स करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका डो बना लेंगे। हमें 15 मिनट तक डो को सेट होने के लिए ढककर रहने देना है। अभी हम घोटाले में तड़का लगाएंगे। इसके लिए 2 बड़ी चम्मच ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो जाए, बाद में इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल, काजू के टुकड़े, 2 लाल मिर्च और करी पत्ता डालकर इसे तेल में पकने देंगे। जब तिल और काजू थोड़े ब्राउन हो जाए, तब हम 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालकर घोटाले में तड़का लगा देंगे और मिक्स कर लेंगे। बाद में ऊपर से थोड़ा हरा धनिया डालेंगे। तो दोस्तों, यहाँ चीज पनीर घोटाला बन गया है। तो अब हम तंदूरी रोटी बनाएंगे। अभी हम 2 को खोल कर इसे मसल लेंगे और उसकी पराठे जैसे लोई बनाएंगे। दूसरी तरफ हम नमक वाला पानी बनाएंगे। पानी में 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे और उसे मिला लेंगे। ये पानी हम रोटी पर लगाएंगे। अभी लोई के ऊपर सूखा आटा लगाकर छोटी रोटी बनाएंगे।
इसके बाद रोटी के ऊपर थोड़ा हरा धनिया डालकर रोटी को बेल लेंगे और रोटी की दूसरी साइड नमक वाला पानी लगाएंगे। अब हम पानी लगाई हुई रोटी की साइड को तवे पर लगाकर हाथ से प्रेस करेंगे जिससे कि रोटी तवे पर चिपक जाए। अगर आपको प्रेस करते समय गर्म लग रहा हो तो आप रुमाल का यूज कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रहे, रोटी पर पानी लगाई हुई साइड तवे पर नीचे की ओर डालेंगे और हरा धनिया वाली साइड ऊपर रखेंगे। तो दोस्तों अभी हम तवे को उठाकर उल्टा करेंगे और रोटी को वीडियो में दिखाए गए इसी तरह से सेक लेंगे। दोस्तों हमें गैस की फ्लेम मीडियम ही रखनी है जिससे कि रोटी अच्छे से सेक जाए। तो देखिए हमारी तंदूरी रोटी बिना तंदूर के बनकर रेडी है। तो अभी इसके ऊपर बटर डालकर स्प्रेड करेंगे और कटर से कट कर लेंगे। दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारी रोटी दोनों तरफ से अच्छे से पक गई है और उसके ऊपर का टेक्सचर भी अच्छे से आ गया है। तो दोस्तों यहाँ हमारा घोटाला और तंदूरी रोटी बनकर रेडी है। तो अभी हम घोटाले के ऊपर थोड़ा सा क्रीम और हरा धनिया डाल देंगे और इसे तंदूरी रोटी, प्याज और नींबू के साथ सर्व करेंगे। दोस्तों आप भी ये सूरत का स्ट्रीट फूड और तंदूरी रोटी घर पर जरूर से बनाएं और टेस्ट करके मुझे कमेंट में बताएं कि कैसा लगा चीज़ पनीर घोटाला और रेस्टोरेंट वाली तंदूरी रोटी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन जरूर से दबाएं जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बने रहे क्रिस्टल किचन के साथ। मिलते हैं नए वीडियो में।